तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे पर्सनल केयर सेक्टर के स्टॉक को लेकर के। और ये स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर में काम काज करती है, बीएससी एनएससी में लिस्टेड है। अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें तो मिड कैप स्टॉक बोल के चल सकते हैं, क्योंकि 11,270 करोड़ का इनका मार्केट कैप है और करंट वाइज चल रहा है 307 रुपये। हाई लगा चुका है 322 का, लो है 168 रुपये का। अभी आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई के पास कहीं ये स्टॉक हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। स्टॉक पी के हिसाब से ये स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा महंगा और बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं, मतलब थोड़ा सा महंगा बोल के चल सकते हैं, ठीक है। इस स्टॉक को थोड़ा सा महंगा ये स्टॉक, और बुक वैल्यू भी 42 रुपये की। कंपनी डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड करती है 0.98% का, और उसी 17% आर ओ ई 14% फेस वैल्यू 1 रुपये की है। प्रमोटर के पास 62% की होल्डिंग है, और डेप्ट टू इक्विटी इसी 0.3। एनुअली प्रॉफिट है 240 करोड़, डेप्ट है 46 करोड़ का, और रिटर्न ऑन इक्विटी 14%। इंडस्ट्री पी है 50, ईपीएस 7.83 रुपये। फ्री कैश फ्लो 316 करोड़ कंपनी के पास। अगर प्लस परसेंटेज की बात करें तो बिल्कुल जीरो, यानी कंपनी के प्रमोटर की तरफ से 1% की होल्डिंग की भी नहीं रखी गई है। तो क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, डेप्ट मात्र 46% का कर्ज है, 46 करोड़ का कर्ज है कंपनी के पास, और फ्री कैश फ्लो 316 करोड़ है कंपनी के पास। तो इस हिसाब से कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। आते हम लोग कहाँ पे, प्रोस की तरफ। प्रोस के पास चलने से पहले बता दूँ दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से बनाया जा रहा ना, कि बाय और सेल करने के लिए। अगर आपको बाय और सेल करना हो तो आप अपने रिक्स पर बाय और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर के बाय और सेल करके चल सकते हैं, ठीक है। प्रोस में क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और लास्ट ट्रेलिंग कंपनी हैज बीन मेंटेन हेल्थी डिविडेंड पे आउट 58% का कंपनी के पास, 58% का कंपनी आपको हेल्थी डिविडेंड पे आउट करती है, ये बहुत ही लाजवाब है। आते हम लोग कहाँ, क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। तो मार्च वाले Q1 के रिजल्ट तो आ गए हैं, जून वाले क्वार्टर का देख सकते हैं। 117 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइन, जो कि बहुत ही लाजवाब प्रॉफिट लेकर के आई कंपनी, ठीक है। जून वाले मार्च में 91, दिसंबर में 84, सितंबर में 80, और जून में 60 करोड़ का। कंपनी हर क्वार्टर वाइज बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखला रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो 96 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास जून वाले क्वार्टर में, और मार्च में 59, दिसंबर में 67, और सितंबर में 65, जून में 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास। प्रॉफिट वाइज कंपनी क्वार्टरली वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखला रही है, प्रॉफिट अच्छी ला रही है, और जून वाले क्वार्टर का परफॉर्मेंस तो गजब ही है। जिस तरह से हमारा निफ्टी परफॉर्मेंस कर रहा है, और जिस हिसाब से कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट आया है, उस हिसाब से कंपनी को बूम तो होना ही था, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ईयरली बेस पे तो देख सकते हैं TTM में 373 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो कर रहा है, ठीक है। 2023 में 316, 2022 में 248, 2021 में 315, 2020 में 251। तो कंपनी हर साल एक नया हाई लगाते हुए आपको दिखला रही है। बीच में 2022 में थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हुआ था कंपनी का, लेकिन सेल्स तो इंक्रीज हुआ था, एक्सपेंस पैसे खर्च होने की वजह से प्रॉफिट डाउन हुए थे, लेकिन फिर से कंपनी ने 2023 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखलाया, और DDM में भी ठीक ठाक की परफॉर्मेंस दिखला रहा है। आते हम लोग नेट प्रॉफिट की तरफ, नेट प्रॉफिट हम आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा कि 288 करोड़ का TDM में नेट प्रॉफिट है 243 करोड़ का, 2022 में 159, 2021 में 191, 2020 में 163 करोड़ का ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है। ये नेट प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे, हर साल इंक्रीज होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। कभी कभी होता है कि परफॉर्मेंस थोड़े से डाउन हो जाते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा होता है जो थोड़े से हाई हो जाते हैं, तो वो चीज़ हुआ था 2022 में परफॉर्मेंस थोड़े से डाउन हो गए थे। कंपनी के डिविडेंड की हम लोग बात करें, कंपनी मैक्सिमम टाइम 50%, 60% और 70% तक का डिविडेंड पे आउट करती है। कभी कभी तो 200%, कभी कभी 116% तक का डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी, मतलब अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करती रहती है कंपनी। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 8%, 5 साल में 8%, 3 साल में 13%, TTM में 14% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 10 साल में 30%, 5 साल में 8%, 3 साल में 10% और TTM में 69% कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें, 14% है, 5 साल में 7%, 3 साल में 37% और 1 साल में 79% स्टॉक प्राइस CAGR है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम लोग बात करें तो 10 साल में 14%, 5 साल में 14%, 3 साल में 14% और लास्ट ईयर 15% रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का, जो कि ठीक ठाक बहुत ही अच्छा कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी के पास।
बैलेंस शीट अगर चेकआउट करें तो जून मार्च 2023 में देखेंगे 1512 करोड़ का इनके पास और रिजर्व है, और इनका रिजर्व हर साल आपको इंक्रीज होते हुए देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पे कर्ज की बात करें तो कंपनी का कर्ज पहले 2020 में 283 करोड़ का हुआ करता था, वहाँ से कर्ज लगातार घटते हुए क्रम में देखने के लिए मिल जाएगा। 2021 में 168 हुआ घट करके, 2022 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 171 हो गया, फिर 2023 में 47 करोड़ का मात्र कर्ज है, जो कि कर्ज काफ़ी हद तक कम हो गया है। वहीं कैश फ्लो की हम लोग बात करें, 329 करोड़ का कैश फ्लो, तो इस हिसाब से कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है, 30 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। शेयर होल्डिंग प्रमोटर की हम लोग बात करें तो 62.89% का होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 13.97% की होल्डिंग है DIS के पास, 15.36% की होल्डिंग है FIIs के पास, 7.77% की होल्डिंग है पब्लिक के पास, तो काफ़ी अच्छा होल्डिंग्स है इंडिविजुअल्स का, और सॉरी DIIS के पास, म्यूचुअल फंड्स वालों के पास और FIIs के पास बहुत अच्छा होल्डिंग्स है। पब्लिक के पास मात्र 7% की होल्डिंग है, पब्लिक के अंदर तो ये हो सकता है कि इंडिविजुअल्स की होल्डिंग नहीं होने का चांस है, क्योंकि 7% की होल्डिंग है यार, पब्लिक के पास क्या ही होल्डिंग्स है। फिर भी अगर हम लोग चेकआउट करते हैं, उससे पहले बता दूं, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया गया है, किसका लिंक है, आप स्टॉक और एंजल वन, बहुत ही अच्छे ब्रोकरेज कंपनी है ऐसा माना जाता है, मैक्सिमम लोग एंजल वन और आप स्टॉक का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, तो इनमें से आप भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आप भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्टार्ट करके चल सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन के बाद, ओपन होने के बाद, तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब स्टॉक और एंजल वन दोनों का लिंक दिया, किसी में भी जाकर के अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस स्टॉक का नाम है ज्योति लैब्स लिमिटेड, मिस्टर MP रामचंद्रन इन त्रिशूर केरला के हैं, के अंदर हैं, और रिनोल्ड ब्रांड इन द डोमेस्टिक FMCG इंडस्ट्रीज, इट हैज़ ए डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्पिन फॉर मेजर कैटेगरी ऑफ फैब्रिक केयर, डिशवॉशिंग, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड HI एंड पर्सनल केयर एंड इस्टेब्लिश मार्केट पोजिशन, दिस द पोस्ट वॉच अंडर द उजाला ब्रांड, जो उजाला ब्रांड होता है, जो नील वगैरह नहीं देखते हो अब, उजाला ब्रांड का प्रचार होता है, वो इनकी प्रोडक्ट है उजाला एंड द डिश वॉशिंग सुगमेंट अंडर फ्रिल एक्सो ब्रांड है। तो जो थी लैब के, ये है प्रोडक्ट मोर लाइट, कपड़ों का रखो दाग फ्री, डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट बार मतलब साबुन, और ये है उनका उजाला, मतलब बहुत ही फेमस इनका एक ब्रांड है उजाला, जिसका आप भी कभी ना कभी इस्तेमाल तो ज़रूर ही किए होंगे, ठीक है। नील उजाला नाम से है कंपनी का ब्रांड, और जो नील होता है, हम लोग शर्ट वगैरह हम डालते हैं वाइट कपड़ों में, वो होते हैं उजाला के नाम से फेमस इनका ब्रांड। और भी प्रोडक्ट कंपनी तैयार करती है, जैसे हैंको हो गया, दोस्तों नेटवर्क स्लो होने की वजह से ओपन नहीं हो पा रहे हैं, सिर्फ वॉश नहीं केयर, ठीक है। हैंको इनका एक डिटर्जेंट पाउडर है, तो और भी इनके प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक है। हैंको बार है, हैंको मैटिक है, और हैंको केयर है, हैंको मैटिक, हैंको बार, हैंको मैटिक लिक्विड भी है, तो और भी बहुत सारे इनके ब्रांड हैं जिसपे कंपनी कामकाज करती है, ठीक है। तो आप इनके बिजनेस के बारे में और बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इनकी वेबसाइट को विजिट करके इनके बिजनेस को और भी बेहतर तरीके से समझ सकते हो। डेफिनेटली अगर आपको ना किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेना हो तो पहले उनके बारे में जानने की कोशिश करो, स्टडी कीजिए, और उसके बाद कहीं इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, ठीक। आते हैं हम लोग कहाँ, तो आज हम लोग कहाँ टेक्निकल देख, टेक्निकल के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक मैक्सिमम टाइम भागते हुए ऊपर की तरफ मूव करते हुए देखने के लिए मिल जाएगी। अब कुछ टाइम का रेंज बनाता है कंपनी कभी कभी, लेकिन मैक्सिमम टाइम आपको ऊपर ऊपर की तरफ मूव, यानी कॉर्नर में सीधा भागते हुए ये स्टॉक दिख जाएगा, ठीक है।
अभी देखो स्टॉक एक रेंज में था, अभी ब्रेकआउट कर चुका है। देखो निफ्टी हमारा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, जिस वजह से सारे स्टॉक आजकल भाग रहे। कंपनी देखो हमेशा मतलब इनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से कैसा, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। जैसे क्वार्टरली नतीजे बहुत ही अच्छे हैं और ईयरली बेस पे कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छा है। स्टॉक एक हिसाब से थोड़ा सा महंगा ये स्टॉक है, ऑलमोस्ट महंगा है ही, क्योंकि हम ये भी देख सकते हैं ना कंपनी अपने ऑल टाइम को ब्रेक कर चुकी है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक ऑल ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुकी है। ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी अच्छा रिटर्न बना करके भी दे रही लोगों को, और ब्रेकआउट होने के बाद ये ऑल टाइम हाई पर पहुँच गई है। तो डेफिनेटली अगर आप नए लोग हो, नए इन्वेस्टर हो, तो आपको अपने नज़रों में ला करके रखना चाहिए इस स्टॉक को। जब भी ये स्टॉक करेक्शन के दौरान मिले, ऐसा नहीं है कि वही स्टॉक भाग रहा तो सिर्फ भागते जाएगा आसमान की तरफ, रॉकेट की तरह, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक नीचे आता है जैसे ही हमारे हमारा मार्केट ना कंसोलिडेट जोन में जाता है, या फिर स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न बना करके दे देता है। जैसे कि बहुत लोग कह रहे थे केपी आईटी रुकता नहीं है, भागते जा रहा, भागते जा रहा, भागते जाएगा। बहुत लोग बाई कर रहे थे ऊपर के लेवल पे, स्टॉक अभी करेक्शन दिखला रहा है, ठीक है, करेक्ट हुआ है। तो वैसे है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी केपी आईटी टेक्नोलॉजी, तो सेम चीज़ ये भी है। बहुत ही अच्छा ब्रांड है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है, और परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी है, डेट फ्री स्टॉक है, ये सारी चीज़ें हैं इस कंपनी के अंदर। तो जब भी स्टॉक ना नीचे के लेवल पे मिले, अगर आपको सपोर्ट लेते हुए फिर यह एक रेंज में, जैसे देखो यहाँ पे स्टॉक ने एक रेंज बनाया, इस रेंज के दौरान बाई करना ही सबसे बेहतर होता है। जैसे हमने सपोर्ट के पास कैप्चर कर लिया, मैक्सिमम स्टॉक को जब भी किसी स्टॉक आप खरीदने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, उस स्टॉक आपको ध्यान देना चाहिए कि स्टॉक जब सपोर्ट के पास हो तब खरीदें। देखो जो FIIs पैसा लगाते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो कभी कभी एक एक स्टॉक को बाई करने के लिए एक एक साल का समय ले लेते हैं। जब तक स्टॉक सही प्राइस पे नहीं रहता, सही बाइंग प्राइस पे नहीं रहता, तब तक वो एंट्री लेते ही नहीं स्टॉक के अंदर, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा सा सब्र नाम की चीज़ रख करके चलना चाहिए। जब भी स्टॉक आपकी बाइंग प्राइस पे मिले तभी एंट्री करो, अदरवाइज इग्नोर करो। यार हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब स्टॉक है। क्या हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे भी स्टॉक हैं जिनकी फंडामेंटल ख़राब है, लेकिन आप राइट पॉइंट पे बाई करोगे ना तो आपको रिटर्न बना करके देंगे। अगर अच्छे स्टॉक हो और गलत जगह बाई कर रहे हो तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देंगे, मतलब क्योंकि वो अब ऑल टाइम हाई के बाद बाई की तो करेक्शन होगा, तो नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म के लिए है, तो मैं मानता हूँ कि 5-2 साल 4 साल के लिए नेगेटिव रिजल्ट रहेगा, मतलब नेगेटिव परफॉर्मेंस करके दिखलाएगी कंपनी, लेकिन 5 साल बाद वो पॉजिटिविटी में आ जाएगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं एक वीडियो में। ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा ना कि बाय और सेल करने के लिए, अगर आपको बाय और सेल करना हो तो आप अपने रिस्क पर बाय और सेल करके चल सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर के बाय और सेल करके चल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।